हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और हम लोग रोज़ द हिंदू आर्टिकल डिस्कशन करते हैं, लेकिन 17 मई को हिंदू नहीं आता। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से कवर करेंगे और ये टॉपिक इस तरीके से कवर करेंगे कि फिर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको कॉपी कलम लेकर के नोट डाउन कर ले तो उम्मीद है कि इस पर आपको फिर दोबारा कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, उम्मीद है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठ चुके होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये डिस्कशन करने के लिए है, ये आपका जीएस पेपर 4 में काम आएगा। ठीक है, जीएस पेपर 4 में पूरी तरीके से कह ले कि आपको 20 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मतलब आपको जो है करप्शन के वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है, समझ रहे बात। तो कहीं ना कहीं उसमें से जो है करप्शन से संबंधित जो है इशू उसमें लिखना ही पड़ता है। तो ऐसे में ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया जीएस पेपर 4 के लिए। तो इस टॉपिक में ही हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, आप यहाँ लिखा हुआ है चैलेंज ऑफ करप्शन। करप्शन जैसा कि हम जानते हैं कि सारी दुनिया के लिए ये एक चैलेंज है, ये एक चुनौती है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो करप्शन का डिफिनेशन क्या होगा। करप्शन करप्टस शब्द से बना है। करप्शन जो है करप्टस शब्द से बना है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। नो डाउट करप्शन जिसके अंदर आ गया, जो इंसान करप्शन करता है, करप्शन वो तभी करता है जब वो अपने वैल्यू को, अपने मॉरल वैल्यू को बर्बाद कर देता है। जब एक इंसान अपनी नैतिकता को खो देता है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बचता, तब वो इंसान को हम कह सकते हैं कि वो करप्टेड है, वो इंसान भ्रष्टाचार है। तो ग्रीक वर्ड में ये डिफाइन किया जाता है कि करप्शन का मतलब ये होता है कि जब इंसान अपने मॉरल वैल्यू को पूरी तरीके से डाउन कर लेता है, गिरा देता है, अपने आप को कह ले कि अपने ईमान को बेच देता है, अपने वैल्यू को बेच देता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये करप्टेड इंसान है। ठीक है, तो ये करप्शन का डेफिनेशन आप याद कीजिएगा। जब भी करप्शन के बारे में लिखना पड़े तो आपको लिखना है कि करप्शन जो है इंसान के वैल्यू को, अंतरात्मा को, उसके जो उसूल है उसको पूरी तरीके से मार देता है, तभी इंसान जो है करप्शन करना शुरू कर देता है। तो वैसे देखा जाए तो करप्शन ऐसा नहीं है कि करप्शन आज पैदा हुआ या करप्शन सिर्फ हमारे देश भारत में है, ये बहुत एंशियंट टाइम से चल रहा है, बहुत पुराने समय से चल रहा है। और अगर देखा जाए तो आप कौटिल्या का अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे, वैसे आप पढ़ेंगे नहीं मुझे पता है, मैं भी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन कुछ उसके बारे में जानता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, कौटिल्या के अर्थशास्त्र में 40 पॉइंट उन्होंने करप्शन के बारे में लिखा है, समझ रहे बात। कौटिल्या के दौर में भी यानी अर्थशास्त्र में उन्होंने 40 तरह का करप्शन के बारे में बात किया कि व्यक्ति 40 तरह के करप्टेड व्यक्ति के बारे में, तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि करप्टेड व्यक्ति समझ लीजिए कि राज्य के सारे संसाधन को दीमक की तरह चाट सकता है, दीमक की तरह वो खा सकता है, और फिर जो है इससे सारे प्रजा जो है गरीब हो सकती है। तो ये मतलब पता चलता है कि एंशिएंट टाइम से जो है करप्शन जो है ये चला आ रहा है, ये कोई आज मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न चीज़ ये नहीं है कि जो है करप्शन आज इंसान जो है करप्टेड हो चुका। तो वैसे देखा जाए तो करप्शन कितना तरह का होता है, ठीक है, ये तो डिफाइन हो गया अभी कि करप्शन होता क्या है, लेकिन अब हम देखेंगे कि करप्शन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, करप्शन कई तरह का होता है। एक हो गया सिस्टमेटिक करप्शन। सिस्टमेटिक करप्शन क्या है कि हमारा गवर्नमेंट का जो फंक्शन है, जो हमारे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, एक के बाद एक मतलब कह ले कि सीढ़ी की तरह है। एक बार कोई चीज़ ऊपर जाता है बहुत ही लंबा पीरियड में, बहुत लंबा टाइम में, फिर एक बार फिर वो नीचे आता है एक बहुत ही लंबा टाइम में। तो इस दरमियान में ऊपर जाकर नीचे आने के जो प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ें जब इस तरीके से चलती है हमारे गवर्नमेंट में, इसी तरीके से काम ही करता है। तो इस दौरान में क्या होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बताया जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जितना भी जो है वेल्थ दिया जाता है, पब्लिक वेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितना भी खर्च दिया जाता है, तकरीबन उसमें से जो है 10% करप्शन जो है ये सिस्टमेटिक तौर पर, यानी कि गवर्नमेंट के मशीनरी में 10% करप्शन हो जाता है। सोचिए, यानी कि जो गवर्नमेंट जो
का जो सिस्टमेटिक इस तरीके से सिस्टमेटिक जो है सिस्टमेटिक ढांचा इतना गंदा है कि 10% तक करप्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के मशीनरी में हो जाता है 10%। ठीक है, ये सिस्टमेटिक करप्शन जो है हमारे गवर्नमेंट प्रणाली के अंदर है, ये एक आप याद रखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा है लीगल करप्शन। लीगल करप्शन क्या है, ये एक इंडिविजुअल तौर पर आप समझिएगा, जैसे कि एक व्यक्ति जो है आप कह लें कि लीगल तौर पर जो पद पर वो बना हुआ है उस पद का वो डिमांड है कि वो व्यक्ति को उस पद के ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ पूरा करे, लेकिन वो लीगली तौर पर क्या करता है उसको उस पद के गरिमा को नहीं पूरा करता है। ठीक है, उसको वो गंदा करता है। और गंदा करता है कैसे, गंदा करता है यानी कि उस काम को जो उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने के लिए वो किसी से रिश्वत लेता है, मतलब डिमांड करता है कि उसको बदले में कुछ चाहिए तब वो आपका काम करेगा। तो ये लीगल करप्शन है, लीगली तौर पर उसको ये काम करना चाहिए था लेकिन वो करता नहीं और सामने वाले से जो है ये डिमांड करता है कि आप ये इतना दोगे तो फिर मैं आपका काम करूँगा। ये लीगली करप्शन है, आप इसको नोट कीजिए। तीसरा करप्शन देखिए मॉरल करप्शन होता है। मॉरल करप्शन क्या है कि सपोज डैट एक आदमी है, आप जिस ऑफिस में जो है आप काम करते हैं और आपके आपको जो ऑफिस मिला है आपको कई सारे अधिकार आपके पावर आपके पास है, तो अब आप क्या करते हैं उस पावर का इस्तेमाल आप जो है गलत तरीके से करते हैं, उस पावर का इस्तेमाल आप अपने आप को अपने इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, अपने रिलेटिव्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, अपने किसी खास दोस्त की फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, किसी अपने ही करीबी इंसान की फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं, तो ये करप्शन आपका मॉरल करप्शन है। ठीक है, ये मॉरलिटी आपके अंदर होनी चाहिए थी कि आप जो है अपने पोजीशन का अपने पावर का इस्तेमाल कभी अपने इंडिविजुअल के लिए नहीं करते, कभी रिश्तेदार के लिए पड़ोसी के मतलब किसी दोस्त के लिए या किसी अपने के लिए नहीं करते बल्कि ये सोसाइटी के लिए करते, ये आपका पावर सोसाइटी के लिए होना चाहिए था, सोसाइटी के सेवा के लिए होना चाहिए था, लेकिन आप जो है इसको अपने पावर को अपने लिए सर्व कर रहे हैं, अपने जो है फायदे के लिए जो है इसको इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं, तो ये आपका मॉरल करप्शन है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चौथा करप्शन क्या होता है, कॉलेजियम करप्शन। कॉलेजियम करप्शन क्या होता है कि इस करप्शन में कह लें कि सामने वाला यानी कि जो आपके ऑफिस में आया वो अभी आपको डिमांड कर रहा है कि आप जो है ये कुछ ले दे करके काम कर ले और आप भी यही चाहते हैं कि कुछ ये जब देगा तभी इसका काम करेंगे, तो यह दोनों पार्टी सहमत होता है यानी कि सामने वाला भी वो भी देने के लिए मतलब वही उसी तरीके का इंसान है। ठीक है, वो ये समझता है कि समझ लीजिए जब तक कि देंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, इतना तो चलता है इस सोच का अगर इंसान है और आप भी मतलब उसी तरीके से करप्टेड है, तो दोनों के बीच में जब सहमति होती है दोनों में से किसी को ऐतराज़ नहीं, मतलब वो भी मतलब देख लीजिए कि कोई दुख से रो करके नहीं दे रहा और आप भी जो है उसको जो है बहुत ही मतलब दोनों तरफ से पार्टी जो है सहमत में है, तो इसको कहते हैं कॉलेजियम करप्शन। ठीक है, ये चार तरह का करप्शन आप इसको लिखेंगे तो आपका मार्क्स जो है श्योर फुल मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये चार तरह का करप्शन हो गया। ठीक है, तो करप्शन ये समझ में आ गया। तो करप्शन हम ये जानते हैं कि इंसान के मॉरल वैल्यू को डाउन कर देता है। अब करप्शन के बारे में अगर इंडिया का स्टेटस देखिए तो करप्शन इंडेक्स में जानते हैं भारत का इंडेक्स, भारत कहाँ पर है, 178 नंबर पर, यानी कि कितना ख़राब स्थिति है भारत का। ठीक कहा था राजीव गांधी ने कहा था कि 16 पैसा अगर आपको पब्लिक पर खर्च करना है तो 1600 रुपया उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगर 16 पैसा अगर पब्लिक को देना चाहते हैं तो 1600 रुपया पहले उसके लिए अलॉट कीजिए, 1 रुपया अगर आप ऊपर से भेजते हैं तो उसका 10 पैसा भी जो है मुश्किल से पहुंच पाता है। ये हमारा सिस्टमेटिक करप्शन में हमने बात की थी, तो ये हमारे यहाँ करप्शन का यह हालत बना हुआ है। 178 नंबर पर हम करप्शन इंडेक्स में आते हैं। तो क्या क्या फैक्टर है, मतलब करप्शन होने का फैक्टर क्या क्या, मतलब किस किस वजह से करप्शन होता है, ये तो हमने देख लिया, सिस्टमेटिक करप्शन है, लीगल करप्शन है, मॉरल करप्शन है, कॉलेजियम करप्शन है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि फैक्टर क्या है, किस किस फैक्टर के वजह से जो है करप्शन होता है। पहला देखिएगा पॉलिटिकल फैक्टर। तो अगर हम गवर्नमेंट मशीनरी की बात करते हैं, सिस्टमेटिक करप्शन की बात करते हैं, तो ये क्यों है, ये इसलिए है ना कि हमारा पॉलिटिकल फेनोमेना इतना गंदा है, ये सिनारियो इतना समझ लीजिए कि दूषित हो चुका है कि इस वजह से जो है पॉलिटिशियन जो है इस तरीके से
ऐसे ही लोग वहाँ पर बैठे होते हैं जो गंदा करते हैं, अपने पॉलिटेट करते हैं अपने जॉब को और अपने ऑनेस्टी को जो है। तो कह ले कि पॉलिटिकल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। ये गवर्नमेंट मशीनरी में ऐसे लोग जो है पहुंच जाते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि किसी तरीके से जो है बस आगे बढ़ जाया जाए, सारे वैल्यू को सारे ऑनेस्टी को ताक पर रख करके वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपने को पॉलिटिकल गेन करने के लिए, अपने आप को जो है आगे लेकर के आने के लिए इस तरीके से जो कदम उठाते हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ है और देखा जाए तो ये चीज़ जो है क्लियर है, पॉलिटिकल फैक्टर आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए। दूसरा फैक्टर क्या कह सकते हैं, दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर देख लीजिए इस तरीके से कह ले कि जैसे कि हमारा देश में जो है तकरीबन गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गरीबी बहुत ज़्यादा है और ये गरीबी होने की वजह से जो है लोग जो है बहुत शोषित होते हैं, लोगों का शोषण बहुत होता है। अब देख लीजिए कि 10% आदमी जो है, 10% आदमी, अब 10% आदमी जो है फॉर्मल सेक्टर में काम करता है, 90% आदमी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। तो 10% आदमी जो फॉर्मल सेक्टर में काम करता है वो बहुत ही मुश्किल से अपना जो है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है, यानी कि वो जॉब प्राप्त करता है बहुत ही कह लें कि उसको भी वहाँ तक आने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करके इस लेवल पर इस ओहदे पर पहुँचाऊँ और मैं सबका काम फ्री में करते चले जाऊँ, है मुझे आने के लिए यहाँ पर कितना स्पेंड करना पड़ा, कितना खर्चा करना पड़ा और अब मैं जो है पब्लिक सेवा में करता चले जाऊँ, ऐसा वो ये सोच जो है अपने अंदर नहीं पैदा कर पाता और वो इकोनॉमिक फैक्टर उसके पास आ जाता है। वो सोचता है कि मैं जब ये जॉब पाने के लिए इतना सारा पैसा खर्च किया हूँ तो फिर मेरा ये बनता है कि हम जो है लोगों से इसको वसूल करें। तो ये देख लीजिए इकोनॉमिक फैक्टर है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो ये पुअर लोगों से जो है लिया जाता है। देख लीजिए कि एक पुलिस वाला, आप सोचिए कि एक आदमी जाता है, पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम यह है कि पब्लिक सेवा करता है, लेकिन ये बहुत डिस्क्रिमिनेट होता है, बहुत भेदभाव होता है। जब एक गरीब आदमी जब पुलिस स्टेशन में जाता है अपना रिपोर्ट करने के लिए तो उससे पैसे का डिमांड किया जाता है, कहता है 10,000 दीजिए तब आपका जो है केस जो है फाइल करेंगे। आप सोच लिए एक आदमी जो पहले से शोषित है और वहाँ पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिर उससे कहा जाता है कि आप 10,000 दीजिए, जानते ये भी एक तरह का शोषण है और बहुत बड़ा शोषण है। ये तो जो हैरेसमेंट, जो पब्लिक हैरेसमेंट किया वो तो अलग चीज़ था, अब जो पुलिस स्टेशन में जो इसका हैरेसमेंट हो रहा है, इकोनॉमिकल हैरेसमेंट हो रहा है, आर्थिक तौर पर जो है इनको जो है टॉर्चर किया जा रहा है, ये भी एक तरह का पुलिस का जो काम जो सेवा करना था वो सेवा ना करके वो भी एक टॉर्चर का काम समझ लीजिए बन गया। जब वो कहते हैं कि आप हमको 10,000 दीजिए तब जो है हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो ये हमने बात किया था लीगल करप्शन में, ठीक है, वो इलीगल करप्शन में आ जाता है कि उसका तो काम ही था ये करना लेकिन वो करना नहीं चाहता, वो डिमांड करता है कि आप इतना पैसा लेकर के आओ। तो आप सोच सकते हैं कि गरीब लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इकोनॉमिक फैक्टर है, ये इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। उसको भी लगता है कि हमने इतना खर्चा किया तो फिर हम ऐसे अपना सबको कैसे काम कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तीसरा फैक्टर हो सकता है सोशल कल्चर फैक्टर, यानी कि सामाजिक ढांचा हमारा इस तरह से बन चुका है, रिलीजियस ढांचा हमारा इस तरीके से बन चुका है शुरू से। देख लीजिए कि ये क्या चीज़ है ना कि ये हमारे सिलेबस में होना चाहिए, ये हमारे फैमिली और हमारे सोसाइटी में ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ पढ़ाया जाना चाहिए, ये चीज़ जो है सिलेबस में ला करके डीपली इसका एक कोर्स होना चाहिए, लोगों को जो है ये सेंटिमेंट छोटी छोटी चीज़ें ईमानदारी की सिखानी चाहिए। लेकिन इस तरीके से हमारा सोशियो कल्चर बन गया है, सामाजिक ढांचा इस तरीके से कि अब सिर्फ और सिर्फ जो है आगे बढ़ने का शिक्षा दिया जाता है कि बेटा आगे बढ़ो, सामने वाले को पीस दो, उस पर चढ़ जाओ, उसको कुचल दो, लेकिन आपको बस आगे बढ़ना है, आपको बस ये हासिल करना है। तो इस तरीके से हमारा सामाजिक ढांचा बन गया है, ये सिखाया नहीं जाता है, माँ बाप सिखाते नहीं हैं, गुरु सिखाते नहीं हैं, टीचर सिखाते नहीं हैं कि आपको किस तरीके से एक दूसरे के सेंटिमेंट को जो है कद्र करना है, एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करना है, एक दूसरे के लिए जीना है और ये ज़िंदगी का उसूल आपको बना करके रखना है, एक दूसरे की मदद करके चलना है। तो ये चीज़ जो है हमारा सोशियो कल्चर, ये जो है एक फैक्टर है कि जो हमारे पेरेंट्स की ये रिस्पांसिबिलिटी है, ये टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है, ये समाज की रिस्पांसिबिलिटी है। और हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कहा था कि आप जैसा समाज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका समाज कैसा हो, आपका फ्यूचर कैसा हो, तो आपको के समाज और आपके फ्यूचर को बनाने वाले तीन कंपोनेंट हैं, तीन लोग हैं। अगर ये तीन लोग सुधर जाए तो आपका फ्यूचर भी सुधर जाएगा
और आपका जो है आने वाला मुस्तकबिल भी जो बहुत ही बेहतरीन होगा। वो तीन लोग कौन है? वो पहला है आपका माता पिता, पहला माँ बाप है। अगर ये सही सही मॉरल वैल्यू अगर बच्चों को सिखाना शुरू कर दे तो फिर बच्चे जो है शुरू से ही जो है वो कभी किसी के साथ जो है आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने वाला और गलत समाज को जो है गलत तरीके से जो है ढालने वाला वो नहीं होगा, वो सही रास्ते पर होगा। दूसरा उस्ताद, दूसरा टीचर। टीचर अगर सही अंडरस्टैंडिंग का है, सही आइडियोलॉजी का है, सही नॉलेजेबल पर्सन है, सही उसका मॉरल वैल्यू है, तो याद रखिए वो बच्चों के अंदर भी वो इनपुट कर देगा। जो क्वालिटी वो अपने अंदर रखता है वो क्वालिटी वो बच्चों में ट्रांसफर कर देगा। ये APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा। तीसरा फैक्टर है सोसाइटी। सोसाइटी क्या है? अब कोई सोसाइटी में देख लीजिए, कोई आदमी शराब पी करके आता है, कोई आदमी जो है किसी को पीट रहा होता है, कोई आदमी किसी को गाली दे रहा होता है, किसी के पड़ोसी वाले घर में जो है झगड़ा हो रहा होता है कि कोई मर्द जो है औरत को पिटाई कर रहा होता है, ये क्या है सोसाइटी ये जो बन रहा है इस तरीके से? जब एक बच्चा जब वो बचपन से जब ये सब चीज़ें देखता है तो उसके ऊपर क्या बनता है? उसको तो यही लगता है कि लगता है ये सब चलता है, ये सब होना चाहिए, ये सब लगता है कि जीने के उसूल है, जीने के तरीके है। तो सोसाइटी हमारे लिए फैक्टर है, सोसाइटी इस चीज़ को जो है रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी इस चीज़ के लिए करप्शन का एक फैक्टर। ये भी देख लीजिए कि ये हमारा सोसाइटी का ढांचा इस तरीके से है कि ये करप्शन होता है, ठीक है। ये तीसरा फैक्टर था। तो ये चीज़, ये तीन फैक्टर आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तीन फैक्टर यानी कि आप इसको पेपर में अगर लिख पाएँ तो यकीन मानिए कि आप अगर इसको नोट डाउन अगर आप कर रहे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि करप्शन पर आपको फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर जो है आपको इस पर ज़्यादा पढ़ने की या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसको नोट डाउन करें और इसको सीरियसली जो है आप इसको समझें। तो ये चीज़ हो गया, ये फैक्टर हमने देख लिया। अब देख लीजिए काउज ऑफ करप्शन, करप्शन का कारण क्या हो सकता है? करप्शन का कारण तो वही है हमारा ब्यूरोक्रेसी बहुत ही हर्डल है, हमारा लॉ बहुत ही पेचीदा है। अब ब्यूरोक्रेसी हर्डल कैसे है? ब्यूरोक्रेसी इस तरीके से लॉ इतना ज़्यादा, मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर है। अब लॉ इतना पेचीदा होता है कि एक टर्म को जो है किसी के आप उसी को अगर डिफाइन करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए वही फायदा हो सकता है और एक व्यक्ति के लिए वही नुकसान हो सकता है। लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इतना टफ है, इतना मतलब कह लें कि उलझा हुआ है कि जो इम्प्लीमेंटेटर होता है, जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है, वो जैसे चाहे उसको डिफाइन करते हैं, समझ रहे बात? यानी कि उस पर लाल फीता लगा दें, भैया इतना दोगे तो काम होगा, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है वो है ये है, नहीं हो पाएगा इतना जो है दाव पेच इसके अंदर। वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जानते हैं और उस चीज़ को जो है वो यूज करते हैं अपने करप्शन करने के लिए, समझ बात? यानी कि लॉ को यूज़ किया जाता है, एक लॉ को जो है इंटरप्रेट करने के लिए उसको जो है गलत तरीके से यूज किया जाता है, समझ रहे बात? ये चीज़ है, समझ रहे? ये तो करप्शन का जो है ये है। तो ये क्या था कि करप्शन के ऊपर जो है एक रिपोर्ट हमारा रिलीज हुआ था, ARC सेकेंड रिपोर्ट रिलीज हुआ था। इन्होंने कुछ काउज बताया था, करप्शन का काउज बताया था। काउज क्या है? तो करप्शन का काउज यही बताया था, लीगल काउज है, समझ रहे बात? लीगल काउज है। लीगल हमारा जो है इस ढांचा इस तरीके से है कि वो सही से डिफाइन नहीं है। ब्यूरोक्रेट जो डिफाइन करते हैं वो अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं और डिफाइन जब करते हैं तो सामने वाला अकबका जाता है, जो कि हम जानते हैं हमारे देश में जो है बहुत लोग जो है पढ़े लिखे कम है और पढ़े लिखे कम होने की वजह से उनका शोषण होता है, फ़ायदा उठाया जाता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होता है, तो उसको कह दिया जाता है कि अरे ये तो ऐसे वैसे तुमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, इतना दे दो तो हम काम करवा देंगे। तो लोग सामने वाला डर जाता है, सोचता है सीधी सी बात है यार, इतना पैसा थमा दो काम हो जाएगा, तो ये चीज़ उसको लगने लगता है। और देखिए सबसे अफसोस की बात है कि ये हमारा सोसाइटी इस तरीके से बना हुआ है कि इसको गलत नहीं समझ जाता है, लोग तो बस एक वर्ड में इसको जो है टाल देते हैं, अरे चलता है, समझ रहे बात? तो ये ARC रिपोर्ट में ये बात कहा गया था। ब्यूरोक्रेसी में जो है ये जो आप देख लीजिए इथिस का पेपर आप लोग देते हैं, यानी कि IAS में इथिस का GS पेपर 4 होता है। तो GS पेपर 4 का मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसके इथिकल को उभारना, मतलब उसके अंदर जो है अंतरात्मा के अंदर ये झिंझोड़ना। ये आप देख लीजिए एक पुलिस वाला, आप देख लीजिए उसका मॉरल कितना डाउन है, वो जो उसके पास जो रिपोर्ट कराने के लिए आ रहा है वो उससे भी 10,000 का डिमांड कर रहा है, सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इथिकल सेंटीमेंट को उभारने की ज़रूरत है, इसको आगे इसको ये सिलेबस में डालेंगे, बच्चे बचपन से जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये चीज़ होगा नहीं। तो ये चीज़ है, समझ रहे बात? तो ब्यूरोक्रेट हर्डल है, लीगल हर्डल है, ये सब जो है ARC के रिपोर्ट में दिया, एक दो को आप लिख दीजिए तो काफ़ी है, समझ रहे बात? अब देख लीजिए कि ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी जो हमारे यहाँ जो है
करप्शन के ढांचे को जो है पैदा किया, ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रिटिश ज़माने से जो है करप्शन का जो है हमारा हाल नहीं जानते थे लोग, लेकिन ये चीज़ जो है ब्रिटिश ज़माने से ये चीज़ जो है इसकी जड़ जड़े समाई है और ये चीज़ जो है हमारे अंदर आया है। ये ARC रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्रिटिश 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 कॉलोनी ये में जिम्मेवार है, इसने नींव रखी है, लेकिन इससे पहले भी था, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनी होने के बाद जो है करप्शन जो है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे में बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि गरीब लोग ज़्यादा पढ़े अनपढ़ लोग ज़्यादा थे और वो लोग जो है कानून को पढ़ते थे, समझते थे और अपने तरीके से डिफाइन करते थे और सामने वाले का शोषण करते थे। और ये एक चीज़ देखिए, सेंट्रलाइज अप्रोच में क्या होता है कि देखिए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है राज्य सरकार के पास होता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट देखिए पॉलिटिकल टर्म में स्टेट का मतलब कंट्री ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल टर्म में स्टेट के पास ज़्यादा पावर होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का के पास ज़्यादा पावर होता है। तो इस पावर का मतलब ज़्यादा पावर होने की वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा ऐसे होता है कि जो है करप्शन करप्शन जो है चलता रहता है। ये चीज़ जो है ARC रिपोर्ट में ये बात की थी। तो अब देख लीजिए कि तो पहले तो मैं आपको पब्लिक सेक्टर की जॉब के बारे में बता चुका हूँ। पब्लिक सेक्टर जॉब में होता यही है कि जो है हमारे यहाँ 90% इनफॉर्मल है, 10% फॉर्मल है। तो जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, तो आई मैं होप करता हूँ कि आपको ये करप्शन का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप इसको दूसरों तक भी शेयर करेंगे, और आई होप कि आपका करप्शन के टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए जो है काफ़ी है और इसको आपका पेपर कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू। आप दूसरों तक इसको शेयर कीजिए, शेयर आप लोग नहीं करते, बहुत ना के बराबर व्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि चलो 4-5 लोग भी अगर देख रहे हैं तो कम बड़ी बात नहीं है, चलिए वही सही, लेकिन आप शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा हो, ठीक है।